नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर। खबर देहरादून से है, जहां राजपुर विधानसभा के अंबेडकर नगर मंडल की ओर से आपका बजट आपका सुझाव को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से बजट पर अपना सुझाव देने की अपील की। उन्होंने बताया कि हमने मुख्यमंत्री की अपील पर इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 200 से ज्यादा अधिक लोगों के सुझाव अभी तक मिल चुके हैं। वहीं सुझाव देने वाली जनता का कहना है कि बजट के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के अवसर को और अधिक बढ़ाया जाए। आपकी सरकार आपके द्वार, सरकार को जनता ने चुना, जनता के प्यार स्नेह के साथ सरकार का निर्माण हुआ 2017 में, और अब बजट जो फरवरी माह में आने वाला है, मुख्यमंत्री जी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारा बजट में आप सुझाव दीजिए, क्योंकि पिछली बार जब बजट में सुझाव जनता के द्वारा दिया गया था, एयर एम्बुलेंस का सुझाव आया था। एयर एम्बुलेंस में सरकार ने, कैबिनेट ने पास करके एयर एम्बुलेंस स्वास्थ्य से जोड़ा, और आज उसी सुझाव के माध्यम से सरकार चाहती है कि बजट अच्छा बने। दूरस्थ सीमांत गांव में शिक्षा का स्तर कैसे हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र कैसा हो, रोजगार का क्षेत्र कैसा हो, टूरिज्म का क्षेत्र कैसे बढ़े, जैसे होम स्टेट योजना, होम स्टेट योजना के माध्यम से टूरिज्म का क्षेत्र, महिला समूह देव प्रसाद योजना, महिलाओं का उत्थान और विकास, आत्मनिर्भर भारत की और भारत का विकास, उत्तराखंड का निर्माण, ऐसी भावनाओं को लेकर सरकार चाहती है कि सरकार आम जनमानस बजट में सुझाव दे और उस बजट को हम अपने बजट के अंदर इंप्लीमेंट करें, और विधानसभा के पटल पर जब बजट आए और हमारा उत्तराखंड का चौमुखी विकास का जो एजेंडा, जो मुख्य धारा में उत्तराखंड आना चाहिए, उसी तत्पर के साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार कार्य कर रहे हैं, उसमें अमली जामा पहना रहे हैं। ऐसे जनता के सहयोग और आशीर्वाद के साथ हम आगे आने वाले बजट में भी, और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बन चुकी है, उसको कैसे सुविकसित, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मूल ढांचा कैसे मजबूत किया जाए, इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखकर इस सुझाव को लिया जा रहा है। जैसे रोजगार के क्षेत्र में, टूरिज्म को बढ़ाने के क्षेत्र में, स्मार्ट सिटी, जैसे पलटन बाजार है, पलटन बाजार के बारे में लोगों ने बहुत चर्चा करी है कि पलटन बाजार स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, बहुत सुंदर पलटन बाजार दिखे, तो हमारी सरकार का भी मानना है कि विश्व के पटल पर पलटन बाजार छाना चाहिए, दिखना चाहिए, ऐसे एक नोम, एक स्वरूप में पलटन बाजार का रूप सवरे, ऐसी भावनाओं के साथ सरकार चाहती है और जनता उसमें सुझाव दे रही है।